हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली मोटोरोला ने अपने मोटो G72 स्मार्टफोन को जो इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट भी आ चुकी है, स्पेसिफिकेशन भी आ चुके हैं। आज के स्टूडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ ये स्मार्टफोन जो प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या प्रोस है क्या कौन से, एंड अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से आपको मोटो G72 स्मार्टफोन के इंडिया वाले वेरिएंट के कंप्लीट स्पेक्स बता देता हूँ। बिल्ड एंड डिजाइन की अगर हम बात करें, बैक पैनल देखोगे टिपिकल मोटोरोला आपको डिजाइन देखने को मिलता है। फोन काफी स्लिम है, लाइट वेट स्मार्टफोन है, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिजाइन यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेगी। हाँ, बैक आपको पॉलीकार्बोनेट वाला देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पर अगेन आपको 6.6 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक पीओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। बेजल्स वगैरह काफी कम है, तो डिस्प्ले ओवरऑल यहाँ पर काफी सही रहने वाला है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, एक ही वेरिएंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। 6 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज, साथ ही में UMCP वाली स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलती है। LPDDR4X वाला रैम टाइप भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है MediaTek का Helio G99 वाला चिपसेट, जो कि 6RM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसके बारे में आगे चल के ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। कैमरास की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगेन आपको बैक मल्टीपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलता है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, देन 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा है, जबकि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन एंड यूआई की अगर हम बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है। क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड पे यहां पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी दिया गया, एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी मिलता है डॉल्बी एटमॉस के साथ में। साथ ही में 5000 एमएच की बैटरी भी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, एंड डिवाइस सपोर्ट करता है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को, एंड डब्बे में मोटो इंडिया जो आपको 33 वॉट का चार्जर भी यहां पर प्रोवाइड करा देता है। तो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर आपको कंप्लीट स्पेक्स मिल जाते हैं मोटो G72 के इंडिया वाले वेरिएंट में। अब बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, कि भाई क्या प्राइस पॉइंट पे मोटो ने इसे इंडिया में लॉन्च करा है। जो 628 वाले वेरिएंट की जो रियल प्राइस पॉइंट है वो है 18999, मतलब 19000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे यहां पर आपको देखने को मिलता है। एंड बता दूं, ये 4G स्मार्टफोन है। साथ ही में हां, ऑफर वगैरह आप देखोगे आपको हर जगह पे दिखाया जा रहा है 15,000-16,000 रुपए। तो आपको बता दूं, 3,000 रुपए का एक्सचेंज का ऑफर यहां पर चल रहा है। मतलब अगर आप पुराना स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट से एक्सचेंज कराते हो, तब 3,000 रुपए वहां पर से आपको बढ़के देखने को मिलेगा। 1,000 रुपए का बैंक ऑफर है, तो एक्सचेंज एंड बैंक ऑफर के साथ में अगर आप देखोगे 15,000-16,000 रुपए के अराउंड आता है, लेकिन 19,000 रुपए इसकी एक्चुअल प्राइस पॉइंट यहां पर रखी गई है। अब क्या ये स्मार्टफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है प्रोस क्या है कॉन्स, तो प्रोस ये स्मार्टफोन पर डेफिनेटली भर भर के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसे कि आप बोल सकते हो, स्लिम स्मार्टफोन है, लाइट वेट स्मार्टफोन है, 120 हर्ट्ज का पीओएलईडी डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है ये प्राइस पॉइंट पे, 698 मिल रहा है। साथ ही में कैमरास वगैरह भी डिसेंट देखने को मिलेंगे, स्टॉक एंड्रॉइड जिन लोग को पसंद है वो भी सही है, बैटरी लाइफ भी सही है, फास्ट चार्जिंग भी डिसेंट इनफ आपको देखने को मिलती है। कमी की अगर हम बात करें, एक बड़ी कमी यहां पर मुझे लगी है कि ये स्मार्टफोन 4G है यार, मतलब 5G अभी आप बोल सकते हो अभी कुछ ही टाइम में आने वाला है, ऐसा नहीं है कि अभी सारी जगह पर आ जाएगा। हाँ, आने में भी 1-1.5 साल का टाइम लगेगा, बट स्टिल अगर आप 19,000 रुपए यहां पर पे कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि भाई 2-3 साल अगर मेरे को फोन इस्तेमाल करना है तो 5G तो रहना ही चाहिए। एंड मैं आप सभी को पता है 10-12 हज़ार या मैक्सिमम 13-14 हज़ार रुपए तक के 4G स्मार्टफोन लेने को आपको रेकमेंड करता हूं, लेकिन 19,000 रुपए में एक 4G स्मार्टफोन भले ही कितने भी अच्छे स्पेसिफिकेशन है, मेरे हिसाब से आपको एक 5G स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5G स्मार्टफोन हमें ये प्राइस पॉइंट पे अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में नहीं मिलते। आपने देखे कुछ दिन पहले यहां पर BBD सेल में Realme 9 Pro Plus 5G आपको 18,000 रुपए मिल रहा था 5G के साथ में, Xiaomi 11i आपको देखने को मिल जाता है, या मोटो का खुद का मोटो G82 5G जो कि काफी हद तक सिमिलर है, उसमें आपको 5G भी देखने को मिल जाता है, एंड वो वहां पर आपको जो ऑफर वगैरह में 18,000 रुपए के अराउंड देखने को मिलता है। तो अगर आपको मोटो का फोन ही लेना है, तो मैं बोलूंगा मोटो G82 ऑफर में परचेस कर लेना, 18,000 रुपए तक के काफी ज्यादा तगड़ा स्मार्टफोन है। लेकिन ये स्मार्टफोन 19,000 रुपए में मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर आप सारे ऑफर, मतलब आप एक्सचेंज भी लगा पा रहे हो, बैंक ऑफर भी लगा पा रहे हो ना, अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए के अराउंड आपको ये डिवाइस मिल जाता है ना, आपको 5G से लेना देना नहीं है, देन डेफिनेटली स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन वाइज काफी जबरदस्त है। लेकिन आप सोच रहे हो भाई 19,000 रुपए में ले या ना ले, तो मैं इतना हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी कुछ दिन में बिग दशहरा सेल भी आएगा, बिग दिवाली सेल भी आएगा, तो वहां पर आपको तगड़े 5G स्मार्टफोन 20,000 रुपीज की रेट में देखने को मिलने वाले हैं। वैसे गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मोटो G72 स्मार्टफोन के ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आपको कैसे लगे, एंड जो पूरा पैकेज है 19,000 रुपए के हिसाब से आपको ये वैल्यू फॉर मनी लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या आपके ओनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो
आई होप कि पसंद आई होगी। एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।